हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आज के वीडियो में बनाएंगे क्रिस्पी अरबी मसाला सब्ज़ी। बहुत ही टेस्टी एंड क्रिस्पी सब्ज़ी है ये। इसमें ना ही प्याज है ना ही लहसुन है, सिर्फ मसाले डालेंगे इसमें एंड बहुत ही टेस्टी बनती है ये। तो चलिए गाइस, देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। अरबी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। उसमें मैं डाल रही हूँ जीरा। जीरा जैसे ही थोड़ा सा भुन जाएगा उसमें हम अरबी के पीसेस डालेंगे। देखिए, इस तरह से लंबे पीसेस मैंने कट कर लिए थे अरबी के। अरबी को कट करने से पहले आप ध्यान रखिएगा, अरबी को आप अच्छे से छिल लें पहले, फिर उसके बाद नमक लगा के उसको बहुत अच्छे से धो लें। उसके बाद जब आप पीसेस कट करेंगे तो बहुत आराम से पीसेस कट हो जाएंगे। अब जैसे ही आप ये सारे पीसेस कढ़ाई में डाल देंगे, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करें और मीडियम फ्लेम पे इसको हल्का सा ब्राउन होने तक पकाते रहें। ध्यान रखिएगा, आपको बीच बीच में इसको घुमाते रहना है कि सारे पीसेस अच्छे से इसके ब्राउन हो जाएं। देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे अरबी के पीसेस बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, हल्के से पक चुके हैं ये। ब्राउन होने से क्या होता है, ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी टेस्ट देगा अरबी में। तो अच्छे से आप ब्राउन कर लें इसको। देखिए, इस तरह से काफ़ी अच्छे से पीसेस ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने ऐड किया है नमक, उसके बाद मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, उसके बाद मैंने डाला है यहाँ पर धनिया पाउडर। धनिया पाउडर बहुत अच्छे से डालें आप, धनिया पाउडर का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। अब इसमें मैंने डाला है गरम मसाला। गरम मसाला डाल के हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब जैसे ही आप इसको मिक्स कर लेंगे, इसको हम 7 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे धीमी आंच पे, जिससे ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए और इसमें मसाले भी बहुत अच्छे से पक जाएंगे। देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी अरबी बहुत अच्छे से पक चुकी है, अच्छे से मसाले भी पक गए हैं, अरबी भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, क्रिस्पी भी है, बहुत अच्छा फ्लेवर है इसका। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए कितनी अच्छी दिख रही है, कितना अच्छा कलर दिख रहा है इस टाइम पर एंड कितनी परफेक्ट है। आप नवरात्रों में इसको आराम से खा सकते हैं। जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।